24 घंटे में उड़ीसा में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। उसके अलावा दो जगह पर एक्सट्रीमली हैवी, तीन जगह पर वेरी हैवी और 23 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा कालाहांडी के लांजीगढ़ में 231.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस जारसूला सुंदर और हीरापुर में, भुवनेश्वर टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, कटक का 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। 1 जून से लेकर आज 10 सितंबर तक जो मानसून का सीजनल रेनफॉल है वो 938.7 मिलीमीटर हुआ है। अभी भी जो 7% डेफिसिट कैटेगरी में 7% बिलो नॉर्मल चल रहा है। अभी जो 11 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। बात है सिस्टम की, तो जो कल वाला डीप डिप्रेशन था अभी वो डिप्रेशन बन गया है, अभी वो हमारे उड़ीसा रीजन से बाहर चला गया है। अभी भी वो जो उसकी पोजिशन है नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर है 21.9 डिग्री नॉर्थ और 82.8 डिग्री ईस्ट पर है, जो कि अभी नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर है। यह सिस्टम धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में क्रॉस करता हुआ एक वेलमार लो प्रेशर एरिया में करता हुआ वीकेंड हो जाएगा और छत्तीसगढ़ यानी ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर आज शाम तक। उसके बाद दूसरा सिस्टम जो है हमारे उड़ीसा चक्रवात के अंदर वह मानसून ट्रफ, जो कि बीकानेर कोटा गुना उमरिया ऊपर जो डिप्रेशन दिया गया है उसके सेंटर से होता हुआ पूरी फिर उसके साउथ ईस्टर्ड होता हुआ सेंट्रल बे बंगाल की तरफ जा रहा है और यह समुंदर सतह से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जा रहा है। अब बात करते हैं 5 डे फोरकास्ट की, तो डे वन में जो हमारा इंटीरियर उड़ीसा है वहाँ पर फेयर डिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है और कोस्टल उड़ीसा में स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे वन में बारगढ़ चारचूड़ा सुंदरगढ़ में आइसोलेटेड प्रेशर हैवी रेनफॉल के लिए येलो अलर्ट भी दिया गया है। इसके बाद डे टू में 11 तारीख को मयूरभंज क्योंझर बालासोर जाजपुर भद्रक केंद्रपाड़ा कटक जगदसिंहपुर इन सब जगहों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे थ्री में 12 तारीख को मयूरभंज क्योंझर में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना, इसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी है बालासोर जाजपुर भद्रक कटक केंद्रपाड़ा जयसिंहपुर में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे फोर में 13 तारीख को सुंदरगढ़ क्योंझर मयूरभंज में येलो वार्निंग दी गई आइसोलेटेड प्रेशर हैवी रेनफॉल की संभावना वजह से थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी इस जगह पर है और कोस्टल उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। इसके बाद डे फाइव में सुंदरगढ़ क्योंझर मयूरभंज में आइसोलेटेड प्रेशर हैवी रेनफॉल की संभावना है, 14 तारीख को एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना से येलो अलर्ट दिया गया है।